कहानियों से ही ज़िंदगी बनती है और ज़िंदगी से कहानियाँ बनती हैं। हर कहानी में कहीं ना कहीं ज़िंदगी ज़रूर होती है और हर ज़िंदगी की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक चीज़ की कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि मेरे बाद मेरा राज्य कौन चलाएगा। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं अपने राज्य के बच्चों में से किसी एक को गोद ले लूं और उसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूं। राजा ने इस बात की घोषणा अपने राज्य में करवा दी। उसने सारे बच्चों को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उन बच्चों को एक एक गमला दिया और कहा, इन गमलों को लेकर आप लोग अपने अपने घर को जाएं। इसमें अपनी पसंद की मिट्टी डालें, अपनी पसंद का बीज डालें और 3 महीने के बाद अपने अपने गमलों को लेकर यहाँ फिर आएं। इन गमलों में निकले हुए पौधों को देखकर मैं ये तय करूँगा कि इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर अपने घर आ गए। गमले में मिट्टी डाली, मिट्टी में बीज डाले। कुछ दिनों के बाद उन बीजों से अंकुर फूटने लगे, पौधे निकलने लगे। लगभग 2 महीनों के बाद पौधे बड़े होने लगे। बच्चे बड़े खुश होने लगे थे। सबको अपनी अपनी मंजिल करीब दिख रही थी। राज्य का उत्तराधिकारी बनने की उनमें बड़ी लालसा थी। लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जिसका गमला अभी भी खाली था। उसके गमले में केवल मिट्टी ही दिख रही थी। उसके गमले का बीज अभी तक फूटा ही नहीं था, जबकि वह हर रोज अपने गमले को पानी से सींचता था। धीरे धीरे 3 महीने होने जा रहे थे। वह बच्चा बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा। उसके माँ ने कहा, बेटा, जिन बीजों से अच्छे फल निकलते हैं उनका अंकुर फूटने में समय लगता है, आदमी को धैर्य रखना पड़ता है। वह बच्चा दूसरे बच्चों के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि बाकी बच्चों के गमलों में से पौधे निकल आए होंगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब सभी बच्चों को अपना अपना गमला लेकर राजा के दरबार में इकट्ठा होना था। सभी बच्चे राजा के दरबार में इकट्ठा हो गए। सभी बच्चे खुश थे, उत्साहित थे। जैसे ही राजा दरबार में दाखिल हुआ, उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसका गमला खाली था। राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और हैरानी से पूछा, अरे, तुम्हारा गमला तो खाली है, इसमें तो केवल मिट्टी है। बाकी सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। वह बच्चा मायूस हो गया। राजा ने सारे बच्चों को हंसते हुए देखा और उनके गमलों को देखा। उनमें सभी पौधे बंजर थे, तभी इतनी जल्दी निकल आए। राजा ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? बच्चे ने साहस जुटाया और कहा, मैंने इसमें बीज डाले हैं और रोज पानी से इनको सींचता भी हूँ, लेकिन अभी तक इसमें अंकुर नहीं आए। राजा को पूरी बात समझ में आ गई। उस बच्चे के साहस, मासूमियत और ईमानदारी ने राजा को प्रभावित कर दिया और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी हमसे कुछ कहती है। आइए इसे समझें। सफलता का लालच और सफलता की इच्छा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं,
जब हम सच्ची इच्छा के लिए काम करते हैं तो इसके साथ लगन, मेहनत, ईमानदारी शामिल होती है। दूर दिखने वाली कामयाबी भी दौड़ती हुई पास चली आती है। और जब हम लालच के लिए काम करते हैं तो सामने खड़ी कामयाबी भी ठोकर मार कर निकल जाती है। सफलता का भी एक चुनाव होता है। सफलता वहीं जाना पसंद करती है जहां सच्ची इच्छा होती है, न कि लालच। राजा ने साफ साफ देख लिया था कि जिन बच्चों के मन में लालच था उन्होंने अपने गमलों में बंजर पौधों के बीज डाल दिए थे जिससे वे जल्दी निकल आए। जिस बच्चे के मन में सच्ची इच्छा थी उसने अच्छे फल वाले बीज डाले थे। 3 महीनों के बाद भी उसके बीजों से अंकुर जरूर नहीं आ पाए, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत और ईमानदारी ने राजा का दिल जीत लिया। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, मासूमियत का साथ हमेशा ईश्वर देता है और चालाकी का हाथ वह छोड़ देता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और हमेशा की तरह मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।